नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल जिज्ञासा क्रेजी फैक्ट पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ा प्रांत में समुद्र के किनारे पर स्थित है। समुद्र के किनारे स्थित ये मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। इस मंदिर के चारों ओर विशाल आंगन है। मंदिर का प्रवेश द्वार कलात्मक है। मंदिर तीन भागों में विभाजित है, नाट्य मंडप, जगमोहन और गर्भगृह। दोस्तों, पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। सोमनाथ का मतलब सोम यानी चंद्र के नाथ, इसीलिए इसे सोमेश्वर भी कहा जाता है। सोमेश्वर का मतलब चंद्र के स्वामी। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्र ने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन चंद्रदेव अपनी पहली पत्नी रोहिणी से बाकी पत्नियों की अपेक्षा अधिक प्यार करते थे। राजा दक्ष प्रजापति को यह देखकर बहुत बुरा लगा और वो क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज छीड़ होता रहेगा। अभिशाप की वजह से चंद्रदेव ने अपनी रौनक खो दी। श्राप से दुखी और विचलित चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंत में भगवान से प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। चंद्रदेव ने भगवान शिव से वहाँ बसने का अनुरोध किया और भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और उनका नामकरण हुआ सोमनाथ। दोस्तों, यह मंदिर तब अत्यंत वैभवशाली था जिसकी वजह से इतिहास में कई बार यह मंदिर लूटा गया, निजी स्वार्थ के कारण कई बार तोड़ा गया तथा कई अच्छे राजाओं के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। वर्तमान में जो मंदिर है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। मंदिर का बार बार खंडन किया गया और जीर्णोद्धार होता रहा, लेकिन दोस्तों शिवलिंग यथावत रहा। ऐसी सोमनाथ शिवलिंग की महिमा है। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र भाद्रपद कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इन तीन महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगती है। दोस्तों, श्री सोमनाथ जी में तीन नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी संगम में स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नरलीला को समाप्त किया, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। उस स्थान को भालुका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में शाम को 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें मंदिर के इतिहास का बड़ा सुंदर वर्णन किया जाता है। आप हवाई जहाज, ट्रेन, बस या निजी वाहन से सोमनाथ आ सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी एयरपोर्ट केसोर नामक स्थान पड़ेगा। यहाँ से मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट मिलती है। केसोर से आपको बस या टैक्सी की मदद से सोमनाथ जाना होगा। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। वेरावल से अहमदाबाद व गुजरात के अन्य स्थानों का सीधा संपर्क है। दोस्तों, आप बाई कार भी आ सकते हैं, यहाँ का रोड काफ़ी अच्छा है। सोमनाथ मंदिर में रुकने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। मंदिर के आसपास श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा पर्यटकों को किराए पर कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। आप आवास के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। सकरी गलियों में मंदिर के करीब कई बजट होटल उपलब्ध हैं, जहां से आप मंदिर पैदल जा सकते हैं। दोस्तों, आप सोमनाथ मंदिर साल भर में कभी भी जा सकते हैं। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर न जाएं, इस दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। सोमनाथ जाने के लिए आप बरसात के दिनों का समय छोड़ सकते हैं, क्योंकि बरसात में कब कहाँ कैसा मौसम हो जाए
कहा नहीं जा सकता। आप गर्मियों और सर्दियों में आराम से यहाँ जा सकते हैं। सोमनाथ मंदिर में खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ खाना शुद्ध शाकाहारी मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। मंदिर की तरफ से भी निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।